Good morning, dear students. I hope you all are fine in your home and taking care of your health. Stay home, stay safe. Today our topic, the Prodigal Son, part 3, page number 62. So second para hum start karenge. His eldest son, who was out on the field, returned and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked it what all that meant. तो जब उसका उस आदमी का अमीर आदमी का जो एल्डर सन होता है बड़ा बेटा है वो खेतों से वापस आता है तो वहाँ वो अपने घर में देखता है म्यूज़िक की आवाज़ सुनता है डांस की तो उसे बड़ी अजीब सा फील होता है कि ये क्या बात है. वो वहाँ पर एक मर्द को बुलाता है उसे बोलता है कि क्या बात है क्या क्या वजह है. योर ब्रदर हैज़ कम ही रिप्लाइड एंड योर फादर has had the fat goat killed because he was got him home safe and sound. तो वो आदमी उसे बोलता है कि यहाँ पर एक पार्टी है हमने एक गोट को ज़बह किया है इस खुशी में पार्टी की है तो आपके बाप ने ये पार्टी दी है आपके छोटे भाई के घर वापस आने की खुशी में. Then he was angry and would not go in but his father came out and entered him. All these years, replied the son, I have been slaving for you and I had never at any time disobeyed any of your orders and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that this son of yours is back who had destroyed up your properties, you have killed the fat goat for him. तो उसका बड़ा बेटा अपने बाप को बोलता है उसे बहुत गुस्सा आता है. वो बोलता है कि मैंने इतना मतलब आपका फरमाबरदार बेटा रहा हूँ इतने अच्छे काम किए खेत पे आपके साथ जाता हूँ काम करता हूँ मतलब हर एक बहुत हार्ड वर्कर होता है ओबीडेंट होता है तो बोलता है मैं ये सब चीज़ें करता हूँ आपने तो कभी ऐसी पार्टी नहीं दी आपने तो कभी इतनी बड़ी फैट गोट को ज़बह नहीं किया तो मेरे लिए तो नहीं मारा उसे कुछ पार्टी वगैरह नहीं दी और आपके छोटा बेटा जिसने आपकी जायदाद को भी ख़राब किया तबाह किया तो घर छोड़कर भी चला गया उसके घर वापसी आने पर आपने इतनी बड़ी पार्टी दी तो उसको बहुत गुस्सा इस बात पर आया. यू माई डियर सन सेड द फादर आई ऑलवेज विद मी एंड ऑल दैट इज माइंड ऑल्सो योर वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस फॉर दिस ब्रदर ऑफ योर वॉज डेड एंड हैज़ बिकम बैक टू लाइफ. तो अपने बड़े बेटे को समझाता है बाप की ये जो मेरे पास है वो सब तो आपका है तो मुझे खुशी इस बात की है फख्र इस बात का है कि आप ये जो मेरा छोटा बेटा है ये एक तरीके से मर गया था अब ये वापस जिंदा हुआ है अपनी गलती इसने मानी है तो ये वापस घर आया है. ही वॉज लॉस्ट एंड हैज़ बिन फाउंड इसने सब कुछ खो दिया था तो अब ये वापस आया है. द फादर said to his elder son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. It is a moment of pleasure that your brother he released his mistake and is seeking mercy and forgiveness. Let us accept for him. He want to become a good man. Good God teach us to be kind of merciful. तो वो अपने बेटे को बोलता है कि कोई बात नहीं आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपका जो ये भाई है इसने बहुत गलतियां की है अपनी लाइफ में अब इसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है ये अपनी गलती को मानता है तो वापस घर आया है इस खुशी में नहीं ये पार्टी दी है. तो अल्लाह ताला भी कहते हैं अगर कोई गलती करे तो उसके बाद उसे एहसास हो गलती का तो उसे माफ़ कर देना चाहिए उसे मौका देना चाहिए अच्छे काम करने के लिए. तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये जो प्रोजेक्टल एक बागी बेटे की ये कहानी थी ये बहुत बागी था बहुत मतलब अपने बाप के साथ इसने अच्छा नहीं किया मगर लास्ट पर इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो बाप ने इसे माफ़ कर दिया. तो ये थी हमारी स्टोरी. ओके खुदा हाफिज़.